चलिए तो अब बाजार की दशा दिशा वापस जिस तरह से रिकवरी हो रही थी और आप कह रहे हैं कि उस रिकवरी को लेकर के अभी भी बहुत भरोसा नहीं दिख रहा है। मतलब सोमवार के बाद आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर बेहतर संभले हैं, बेशक गुरुवार को थोड़ा सा एक बार को फिर से लगा के नीचे आ रहे हैं, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज बचा करके रखने की कोशिश अभी तक सेंसेक्स में और निफ्टी में हमें साफ तौर पे दिख रही है। तो ये जो शोर शराबा होगा उसके चलते कुछ होता है, आप कह रहे हैं कि शायद कुछ होगा ही नहीं, लेकिन कुछ होगा तो बहुत मेजर होगा। उस सब के बाद मतलब मार्केट जब वापस अपनी बेसिक्स को देखेगा वहां पर किस तरह का रुझान आगे बनेगा। चूंकि ये एक रिपीट इंसिडेंट है ना, और इसका हमारे पास पास्ट में एविडेंस है कि कोई बहुत क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो बिकॉज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एफएनडी में है तो उसके कारण एक आप टेम्प्रेरी वोलेटिलिटी देखेंगे, बट वो सेटल हो जाएगी उसके बाद। उससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कुछ होना चाहिए, और इसलिए आप निफ्टी को कल थोड़ा वोलाटाइल देख सकते हैं। और हमारे मार्कर्स बहुत क्लियर हैं जैसे थे, अभी भी 25,500 के ऊपर का क्लोज या मे बी 20-25 पॉइंट और ऊपर का क्लोज निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसका हम जो डिसीजन है दो अदर इंडिसेस से लेंगे, उसको मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। डाउनसाइड में ध्यान रखना है कि निफ्टी का सुमेश, जो शॉर्ट कवरिंग के लिए आपने क्या लेवल बताया, एक बार फिर से बताएंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए आऊंगा राजीव, जिसमें तीन इंडेक्स मुझे साथ में लाने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ जी। का बेस बता देता हूँ। बेस हमारा बिल्कुल क्लियर है, 23,900 का हमारा बेस है। इसके नीचे अगर डिप होता है तो 23,750 तक जाने की तैयारी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। पहला अंडरलाइन, 23,900 के नीचे जाने पे 23,750 तक जाने की तैयारी है, लेकिन जब तक 23,800, बोल्ड अंडरलाइन, जब तक 23,800 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं होती है, फर्दर डाउनसाइड ओपन नहीं होगा। दोनों चीजों को समझ लीजिए। इंट्राडे क्या हो सकता है, 23,900 के नीचे 23,750 तक जाने के चांसेस हैं। 23,800 के नीचे क्लोज होने पे फर्दर डाउनसाइड ओपन होगा, जो कि आपका टुवर्ड्स 23,000 तक जाने की तैयारी करेगा। ये आपका बेस और डाउनसाइड का लेवल क्लियर होना चाहिए। अब उल्टे साइड लेके आते हैं, रेसिस्टेंस की बात करते हैं, जिसमें हमको तीन इंडेक्स साथ में लाना पड़ेगा। सबसे पहले जाएंगे निफ्टी बैंक पे, उसके बाद आएंगे निफ्टी आईटी पे, और फिर उन दोनों के इन्फ्लुएंस के साथ हम कंक्लूड करेंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी बैंक पे सबसे पहले देखिएगा, कल का जो हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोज मिल गया निफ्टी बैंक को तो शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट तय है, और वो शॉर्ट कवरिंग ऑलमोस्ट 51,500 के आसपास तक हो सकती है। ये पहली चीज को क्लियर कर लें, तो यही आपको पहला इंडिकेशन दे देगा कि अगर यहाँ से क्लोज आ गया तो निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग दिखनी चाहिए। पहला आप मेथड यहाँ से ले लीजिएगा, बैंक को अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस शॉर्ट कवरिंग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसके निफ्टी पे हम इम्पैक्ट को लेके जाएंगे। कल का यानी सॉरी आज संडे है तो फ्राइडे का हाई, इसके ऊपर का क्लोज यानी निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग करीब करीब अभी क्लोज है 50,500 का, 1,000 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग। 1,000 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मतलब निफ्टी में करीब करीब 300 पॉइंट की रैली पॉसिबल है। तो ये आप पहला डिस्टेंस बेक इन कर लीजिए। अब इसके बाद आप आ जाएं निफ्टी आईटी पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बिल्ड हुआ है, उसके डेटा को रीड करते हैं। निफ्टी आईटी में क्या सिचुएशन है, अगर जैसे हाई है बैंक का वैसे ही निफ्टी आईटी का फ्राइडे का हाई, इसके ऊपर का एक क्लोज, मतलब निफ्टी आईटी मिनिमम आपको 39,750-800 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये भी रैली हो जाएगी करीब कितने पॉइंट की, करीब करीब आप समझे 39,000 से लेके 39,750-800 पॉइंट्स की रैली हो जाएगी। तो ये दोनों इंडिसेस के शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं इस लेवल के ऊपर में, जिसमें आपको निफ्टी 300 से 500 पॉइंट की रैली दे सकता है। ये पहला आपको अपसाइड फैक्टर करना है, बिकॉज निफ्टी अल्टीमेटली क्या है, कंपोनेंट ऑफ स्टॉक्स है, और वो स्टॉक्स अदर इंडिसेस के भी पार्ट हैं, और उन इंडिसेस का स्क्यूनेस निफ्टी पे भी आता है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी को मिला दें तो आप समझ लें कि करीब, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ भी दें तो भी 30-35% के रेंज में इम्पैक्ट रफली ये दोनों इंडेक्स निफ्टी को कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद अब वापस आ जाइए निफ्टी पे, इन दोनों के असर को लेते हुए। निफ्टी का क्लोज है 24,367,
यानी अगर इन दोनों का इंपैक्ट आने लगा तो निफ्टी आपको क्लोज देने की कोशिश करेगा 25,500 के ऊपर। अगर ये दोनों का इंपैक्ट नहीं आया तो लार्जली निफ्टी 25,000, 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाएगा, सॉरी 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाएगा। अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोज दे पाता है तो मिनिमम 500 पॉइंट की आप रैली लिख लें, हो सकती है एडेड बाय निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी। तो जो लास्ट मैंने आपको डिस्कशन में लाया था कि हो सकता है कि 25,000 तक की रैली निफ्टी की बन सकती है। इसी चीज को क्लियर करना चाह रहा था, शुरुआत में भी शायद आप 25,500 बोल गए थे, मैं वापस समझना चाह रहा था कि आप 25,500 बोल रहे हैं या उसके नीचे का कोई लेवल। नहीं 24,500 सॉरी वो लेवल के लिए 24,500 का लेवल अपने रखा। हाँ तो जो ब्रेकअप है कि 24,500 के ऊपर 500 पॉइंट की रैली क्यों हो सकती है, इस लॉजिक को समझना जरूरी था, इसलिए आप वो दो इंडिसेस को भी साथ में देखें और उसके डेटा को आप निफ्टी में लेके आए। दैट विल एक्सप्लेन कि निफ्टी 25,000 तक जाना क्यों पॉसिबल है 24,500 के ऊपर में या 24,550 के ऊपर में। जी लेकिन वापस इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के असर को एक बार फिर से देखते हैं। मसला ये है कि हिंडनबर्ग कोई अकेले काम करने वाला अभी तक लग रहा है कि नहीं, उसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम है। और आप अरुण पल्ले जी का ये सवाल भी साथ में सुन लीजिए कि मंदेड़ियों के जितने भी सरगने हैं वो कुछ भी करके मंदी चाहते हैं, और मंदी करके अरबों खरबों डॉलर के खेल करने वाले एक बड़े सरगने का नाम हमें मालूम, और भारत में हाल फिलहाल में जो कुछ भी चलता रहा है उसमें उस व्यक्ति का नाम खूब उछलता रहा है। और बाकायदा उन्होंने ओपन स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस देश में सरकार बदलना चाहते हैं। अब सरकार तो नहीं बदल पाए, मंदी ला पाएंगे क्या? देखिए अब जो भारत के स्टॉक मार्केट है ना, पहले 2% ऑफ पॉपुलेशन वाला नहीं है ना, अब तो 5-6% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन आ गया है। मतलब ये है कि अवेयरनेस मैच्योरिटी दोनों बढ़ रही है। प्लस अगर ये फर्स्ट टाइम हिंडनबर्ग की तरफ होता, या मान लीजिए कि कोई नया रिसर्चर आके फर्स्ट टाइम अपने वेट को लेके इस चीज को लेके आता था, असर को जरूर पहली बार के लिए हमको सावधान होना चाहिए था। इस बारी दोबारा आया है और बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, ये विथ सम मोटिवेशन है। तो इतनी भी बेवकूफ तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट की जनता होगी कि एक ही चीज को दो बार रीड नहीं कर पाए। और अगर कुछ लोग नहीं कर पाए तो मे बी उनको थोड़ा एक बारी दोबारा सोचना चाहिए, बिकॉज किसी के एक मोटिव से अपना काम खराब नहीं होना चाहिए। चिंता सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी, पब्लिक सेंटीमेंट के चलते मार्केट गिर जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था, वो सिर्फ पब्लिक सेंटीमेंट नहीं था, उसके पीछे एक कंसर्टेड एफर्ट भी था। सेबी बाकायदा उस कंसर्टेड एफर्ट की जांच कर रहा है, उसी जांच के लिए हिंडनबर्ग को बुलाया गया और वो भाई साहब आकर के अपनी बात कहने के बदले, सफाई देने के बदले कह रहे हैं कि सेबी ही चोर है। तो मसला ये है कि वो सिर्फ अकेले नहीं है, उनके पीछे फाइनेंशियल मसल भी होगी, उसके पीछे एक इकोसिस्टम भी काम कर रहा होगा। तो दिखाने की कोशिश होगी कि नहीं ये रिपोर्ट आया तो लोगों ने इग्नोर नहीं किया है, लोग उससे डरे हैं। वो डर दिखाने के लिए और वो डर पैदा करने के लिए शायद एक इंस्टेंट रिएक्शन ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी। करें, लेकिन उन्हें उनका बहुत बड़ा लॉस होगा, बिकॉज वो शॉर्ट ट्रैप में जाएंगे। पिछली बारी भी जितनी भी शॉर्टिंग हुई वो फाइनली शॉर्ट ट्रैप में गए एक समय के लिए, ठीक है, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक को उन लोगों ने काउंटर पे प्रेशर आया, लेकिन उस समय जितना भी उन लोगों ने एक राउंड प्रॉफिट बना लिया, बिकॉज ओवरऑल मार्केट पे वो कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाए, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक पे एक समय के लिए इंपैक्ट आया। ये रिपीटेड एफर्ट है, इसमें मुझे नहीं लगता कि ग्रुप स्टॉक पे भी उतना असर आएगा। F&O वाले पोजीशन का थोड़ा बहुत असर आ सकता है, और अगर बहुत ज्यादा कोशिश की गई तो बिकॉज ये रिपीटेड एफर्ट है इसमें शॉर्ट ट्रैप ज्यादा होगा, तो करेंगे जो भी उनका पैसा ज्यादा बर्बाद होगा, मेरा ऐसा अंदाजा है, फायदा नहीं होगा।